बिहार में एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हो गया है। नतीजन गया, जहानाबाद, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई समेत आसपास के जिलों में शुक्रवार को दिन भर मूसलाधार बारिश होती रही। राजधानी पटना में भी दिन भर बादल छाए रहे, जबकि शाम होते ही हवा के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। आज भी मौसम का हाल यही रहने की संभावना है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस के पटेल के अनुसार आज मॉनसून की ट्रफ रेखा डेहरी से गुजर रही है, इस वजह से आज भी बिहार में अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान है। रोहतास, भभुआ समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। लगातार वर्षा होने का पूर्वानुमान तभी रहता है जब मॉनसून सक्रिय रहे। उसके लिए मॉनसून की अक्षीय रेखा लगातार गंगा के मैदानी इलाकों के आसपास रहे और चक्रवाती संचरण नमी की मात्रा को लगातार पहुंचाता रहे, तब जाकर लगातार वर्षा होती है। इस समय जो मौसमी सिस्टम है वह इस प्रकार है। कल निम्न दबाव का क्षेत्र बांग्लादेश पर था, आज पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों और पूर्वोत्तर झारखंड के आसपास एवं उसी स्थान पर संबद्ध चक्रवाती परिसंचरण 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम दिशा झारखंड की ओर बढ़ने की संभावना है। मॉनसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी भाग जो कल गया से गुजर रही थी, आज डेहरी से होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इन सभी मौसमी सिस्टम के संयुक्त प्रभाव से आज से 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा, जबकि पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा का भी पूर्वानुमान है। राजधानी पटना और गया जिले में वर्षा होने का भी पूर्वानुमान है। मौजूदा पूर्वानुमान के अनुसार आज बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में हल्की बूंदाबांदी, जबकि शेष सभी जिलों के अनेक स्थानों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। रोहतास, भभुआ, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। IMD के आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष राज्य में जून महीने में 52 और जुलाई महीने में 29% वर्षा की कमी रही, जबकि अगस्त महीने में 23 अगस्त तक अपने सामान्य से 9% अधिक वर्षा हुई है। पूरे राज्य में 1 जून से 23 अगस्त तक 23% वर्षा की कमी चल रही है। पटना से लोकल एटिंग के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।